हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो ये वीडियो ZPAT 22 एस्पिरेंट के लिए है। तो मेरे तरफ से आपके लिए लास्ट वीक का कुछ जो स्ट्रेटेजी वगैरह है वो सब बोलना था। हालांकि लास्ट वीक अभी तो काफ़ी देर हो चुका है, शायद ये 3 या 4 पे अपलोड हो जाएगा। मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, कुछ सारे चीज़ें हैं जो लास्ट वीक में आपको ध्यान देना है। नंबर 1, मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट का टॉपिक को दिमाग से बाहर रखो। हो गया, जितना दे दिया, इम्प्रूव होना था हो गया। अभी मॉक टेस्ट देके कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि लास्ट में 2 कि 3 आवर्स में आप मेंटेन, वो सब हो गया, अभी मेंटेन नहीं होगा। अब जो होगा अपना आप होगा, ठीक है। अभी आपको करना क्या है लास्ट 1 वीक में, वो आप ध्यान दो, ठीक है। चाहे 1 वीक के पहले देख रहे हो या फिर 5 डेज 4 डेज, जब भी आप देख रहे हो। तो नंबर 1, आपका जो माइक्रो नोट्स है, माइक्रो नोट्स अगर आप बनाया होगा, काफी सारे लोग उसको शॉर्ट नोट्स भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट नोट्स हो माइक्रो नोट्स हो, दोनों से ही काम चल जाएगा। उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। डेली 2 से 3 बार 4 बार भी रिवीजन कर लो, कोई आपका नुकसान नहीं होता। जितना हो सके इतना ज्यादा माइक्रो नोट्स को देखते रहो। और उसके बाद कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पहले से आपका टफ लग रहा था, या फिर आपसे वो हो नहीं पा रहा था, आपका मन वहाँ पे नहीं बैठता था उस सब्जेक्ट पे, यू कुडन कॉन्सेंट्रेट वेल इन दैट सब्जेक्ट, उसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि अभी देखने से वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। बट हाँ, कुछ चीजें आप देख सकते हो, कुछ चीजें रहता है जो हम लोग हर बार भूलते रहते हैं, बट वो बहुत ही सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसको अभी लास्ट के दिन में ना थोड़ा बहुत एटलीस्ट डेली एक बार आप उसको देखते रहो, ठीक है। आप देख लेना कि वो टॉपिक कितना बड़ा है। अगर उसको 20 मिनट्स में आप कवर कर पा रहे हो, फ्लो चार्ट वगैरह बना लो और उसको जल्दी जल्दी देखते रहना। हर रोज 1-2 बार देखते रहना। उससे क्या होगा, सपोज आप हर बार भूल रहे हो ना, तब भी आप भूलने का चांस रहता है, बट वो अगर बार बार आप देखते रहोगे तो उसका एक इमेज ना ब्रेन में बैठ जाता है। तो अगर वो इमेज जो ब्रेन में आपका फिक्स्ड हो जा रहा है, वो अगर एग्जाम के टाइम पे रिफ्लेक्ट हो गया तो आपका काम बन गया, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम के बाद भूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नाइपर के टाइम में फिर से आपको वो जरूरत हो सकता है, वही सेम टॉपिक। बट इस तरह से काम होता है, ये प्रैक्टिकली होने वाला तरीका मैं बोल रहा हूँ। हम लोग जब सेमेस्टर एग्जाम भी देते हैं, काफी सारी चीजें एग्जाम से पहले रात ही देखते रहते हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि ये शायद भूल ना जाओ, और समहाउ जब वहाँ पे एग्जाम पे हम लोग वो याद आ जाता है। हालांकि वहाँ पे लिखना होता है वो बात, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बट हाँ काफी टाइम पे ये सब काम हो जाता है। आप थोड़ा बहुत देखते रहना तो काम आ जाएगा। और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने निमोनिक्स वगैरह बनाया होगा किसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, निमोनिक्स को हर बार देखो, हर रोज देखो, 2 से 3 बार देखो। कुछ जो भी फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को देखो। और काफी सारे लोग अपने जहाँ भी टेबल के सामने, दीवार पे या कहीं भी बहुत सारी चीजें चिपका के रखते हैं जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है, तो वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा देखते रहो अभी। क्योंकि लास्ट के टाइम में रिवीजन के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, नया टॉपिक को नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। और एक चीज मैं अब बोलना चाहूंगा, आपने जो मेरा ऑफिशियल मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया था, जो NTA के तरफ से ही था, उसमें आपने देख लिया होगा फॉर माइनर सब्जेक्ट ओनली 44 मार्क्स, दैट मीन्स 11 क्वेश्चन। तो माइनर सब्जेक्ट को भी अभी इग्नोर करो, चाहो तो एक बार देख लेना 2 से 3 दिन में, बट इतना जरूरी नहीं। सिर्फ मेजर मेजर सब्जेक्ट में फोकस करो और उसको जितना हो सके ज्यादा रिविजन करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो लास्ट वीक का यही स्ट्रेटेजी रहा। और इस चैनल में 2 वीडियो और आएगा, हालांकि वीडियो बहुत सारे आएगा, बट 2 वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। चाहे आपके प्रिपरेशन जिस लेवल में ही हो, हर किसी के लिए 2 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1, हाउ कैन यू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्क किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो, उसके लिए एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट वीडियो होगा लास्ट मिनट टिप्स, लाइक एग्जाम के 3 आवर्स आप किस तरह से स्पेंड करना चाहिए, उसका 1-2 दिन पहले स्लीप को कैसे मेंटेन करना चाहिए, दिस ऑल अबाउट, इसके लिए और एक वीडियो आएगा। तो 2 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। आएगा चैनल में, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। बाकी केमिस्ट्री का काफी सारे वीडियो आ रहे हैं, आई थिंक नेम रिएक्शन का ही आते रहेगा अभी, नेम रिएक्शन या फिर देखता हूँ क्या डाल पाता हूँ, बट नेम रिएक्शन ही डालता रहूंगा अभी। तो आप वो सब भी देखना है तो देख लेना, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है केमिस्ट्री के ऊपर तो इग्नोर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू। रिविजन रिविजन एंड रिविजन इज एवरीथिंग। थैंक यू।